यहाँ मैं करूँ चंद्रयान यार तरक्की करना बहुत मुश्किल है, मेरे जैसे छोटे छोटे मोटे कारोबारी बंदे के लिए तरक्की करना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों को पढ़ाएं, खर्चा पूरा करें, अपने घर के बिजली बिल, बिजली के बिल, किराए वगैरह पूरे करें, बेचारा या अपने तरक्की किस तरह, तरक्की नामुमकिन है तरक्की करना। ये इंडिया का ही है मेरे ख्याल में, मैंने नहीं गेस कर पाया इसको। अच्छा इंडिया है, आपने सही गेस किया। ये कंट्री जो है मेरा ख्याल आई थिंक मैं अपने गेस से कह सकता हूँ मलेशिया है। अच्छा मलेशिया, नहीं मलेशिया नहीं है, इसके अलावा कोई और। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज, हम आवाज के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया की टॉप 10 सिटीज की, जो इस टाइम तक रिचेस्ट कंट्री सिटीज जा रही हैं, और वहीं मैं आज आवाम से पाकिस्तान की टॉप 10 सिटीज के बारे में भी बात करूंगी कि जो इस टाइम सबसे ज्यादा रिच जा रही है। तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। तो मैं चलिए आवाम से बात करती हूं। आपने दिखाई तकरीबन 30 सेकंड की है, आइडिया लगाना भी बहुत, आइडिया लगाना है ना, और पूरी 8 मिनट की वीडियो थोड़ी दिखाऊंगी, और वीडियो भी ड्रोन कैमरे से बनी हुई है, ये कोई आईफोन वगैरह या कोई DSLR से नहीं बनी। हर किसी के पास आईफोन नहीं होता ना, तुम अमीर हो, मैं थोड़ी अमीर हूँ। नहीं अमीर तो मैं भी नहीं हूँ। अच्छा बताओ, आइडिया लगा रहा हूँ, लाहौर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लाहौर की कौन कौन सी जगह है जो खूबसूरत है? सबसे पहले जो मुझे अब जो हमारा सेंट्रल पार्क ने मंसूबा बनाया है ना, कौन सा, कसूर रोड पे, माशाल्लाह वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे वो बैरिया टाउन से डिफेंस से भी अच्छा लगा। सेंट्रल पार्क ने बहुत तरक्की की है माशाल्लाह, उधर काफी अवेयरनेस आई है सिटी के अंदर। मैं, मुझे ये बताओ कि इंडिया की टॉप 10 सिटीज का पता जो ज्यादा रिचेस्ट है, लोगों का तो है आइडिया लेकिन सिटी का नहीं पता। सिटी चलो लोगों का बताओ। सबसे पहले तो मुकेश अंबानी है, उसके बाद एक्टर्स हैं, उसके बाद उधर के MNA और MPA हैं, नरेंद्र मोदी है, और भी कोई काफी सारे हैं। हाँ तो कंट्री भी बताओ ना, किसी का भी नाम ले दो। कंट्री इंडिया के, नहीं सिटीज, इंडिया के अंदर सिटीज दिल्ली है, और उसके बाद वो जो सिखों का है अमृतसर, उधर बहुत रिच मैन बैठे हैं, वो बहुत अमीर लोग हैं सारे उधर, सही जा रहे अभी तक, आर्टिस्ट और फिल्म वगैरह बनाने वाले प्रोड्यूसर एंकर्स वगैरह उधर से बिलोंग करते हैं जाना, बस यही पता है अभी तक, बस यही पता है। अब लाहौर की बताओ कोई टॉप 10 बता दो सिटीज जो लगता है कि फेमस है और ज्यादा रिच है। जी सुने, सबसे पहले हमारा DH है, उसके बाद हमारा बैरिया टाउन, जौहर टाउन, उसके बाद सिटीज पूछा मैंने। अच्छा सिटीज, लाहौर एरिया नहीं पूछा, लाहौर की सिटी, लाहौर खुद पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो खूबसूरत लगा वो इस्लामाबाद लगा। इस्लामाबाद के बाद अगर छोटे शहरों के अंदर देखे तो मुझे एबटाबाद बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। एबटाबाद मैं गया था उधर, एबटाबाद बहुत खूबसूरत, नरान खगान, उसके अलावा सकरदू, गिलगित, ये इलाके बहुत खूबसूरत हैं, आज़ाद कश्मीर हो गया, ठीक है। वैसे अब इंशाल्लाह घूमने का इरादा है बलोचिस्तान का, बलोचिस्तान सुना है बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी और पथरीला इलाका है, उधर इंशाल्लाह जाना है। अच्छा क्या लगता है कि अगर हम तरक्की के लिहाज से बात करें तो ज्यादा अमीर कौन है, रिच कौन है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया ने बहुत तरक्की की है, इंडिया ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा। अच्छा कैसी तरक्की की है इंडिया ने? इंडिया ने अभी थोड़े महीने पहले ना चंद्रयान 3 एक मंसूबा बनाकर उन्होंने एक चांद पर चंद्रयान 3 भेजा, जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट को नाम चंद्रयान 3 का दिया है, वो भेजा है, उससे एक वो ऊपर चांद के ऊपर इकोनॉमी यानी कि एक बड़ा ही ज्यादा यानी कि एक शहर, एक सिटी बनाना चाह रहा है, जिधर वो टूरिस्ट को, विजिटर को ऊपर भेजेंगे चांद के और अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करेंगे और लोग वहाँ जाएंगे। जिस तरह हमारा अभी थोड़े अरसे पहले एक वो आपदोज डूबी है, वो सिर्फ लोग ना टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे, इसी तरह अब इंडिया चाहता है कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊं, इतना अमीर तरीन बन जाऊं कि उसने एक चंद्रयान 3 भेजा है, लोग विजिटर आए वो उनको ऊपर चांद पर ले जाकर घुमाए फिराए अमीर तरीन लोगों को, और उनको वो जो ऊपर दुनिया रहती है वो दिखाएं, इस वजह से वो मनसूबा मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो क्या लग रहा है पाकिस्तान में ये मनसूबा कब तक आ रहा है? ये अभी तक तो हमारे खुद के लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे, लड़ाई झगड़े जो हमारी हुकूमत जाती है वो दूसरे पर केस करवाती है, जब दूसरी जाती है वो तीसरे पर केस करवाती है, जब तीसरी जाती है वो यानी कि एनीवन कोई भी हुकूमत आती है, एस्टेब्लिशमेंट आती है, वो आगे से आगे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने में मसरूफ है, यानी कि मुश्किल है यहाँ पर चंद्रयान पे जाना, मुश्किल है। यहाँ मैं करूँ चंद्रयान या तरक्की करना बहुत मुश्किल है, मेरे जैसे छोटे छोटे मोटे कारोबारी बंदे के लिए तरक्की करना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों को पढ़ाएं, खर्चा पूरा करें, अपने घर के बिजली बिल, बिजली के बिल,
किराए वगैरह पूरे करे बेचारा, या अपने तरक्की किस तरह तरक्की नामुमकिन है तरक्की का। अच्छा तुमने कहा कि इंडिया रिच है, तो कभी मौका मिले तो इंडिया चले जाओगे अगर तुम्हें मौका मिला? जी इंडिया जाएंगे, क्यों नहीं। परमानेंट? परमानेंट नहीं जाएंगे, जो हमारे हमारा देश है, जिधर हमारी जाए पैदाइश है, हम उसको कैसे छोड़कर जा सकते हैं। अभी मैं लाहौर में रह रहा हूँ, वैसे मैं बिलोंग पाकपतन से करता हूँ, सिटी शहर पाकपतन में मेरी रिहाइश है, लेकिन ईद बकरीद को मैं फिर भी उधर जाता हूँ। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो? लास्ट में मैसेज यही है कि मैं बस एक ही बात करना चाहता हूँ, हमारी हमारी हुकूमत को आवाम के साथ मुखलिस होकर चलना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए आवाम पर थोड़ा सा जेर गौर करें, लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन अदारों के अंदर, एजुकेशन अदारों के अंदर और भी बहुत से ऐसे अदारे हैं, आप देख लें पुलिस का महकमा है, इनके अंदर करप्शन वगैरह, इनके अंदर अवेयरनेस लेकर आए, गरीब पर जुल्म, गरीब को पीछे ना छोड़े, गरीब को साथ शाना बशाना लेकर चलना चाहिए। अच्छा अवेयरनेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बताओ अवेयरनेस तरीके से हम ला सकते हैं? अवेयरनेस लाने के लिए जो हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं ना, उस मुल्क के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा आती है। जिस मुल्क के अंदर भी चले जाए, जिस मुल्क के या तो वजीर आजम है, या अगर सदारती निज़ाम है तो सदर ने, अगर जमहूरी निज़ाम है तो वजीर आजम ने, वजीरों मशीरों ने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होकर चले, आवाम को साथ लेकर, उन्होंने मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। अब बताना ज़रूरी तो नहीं है जो हमारे हुक्मरान है वो अपनी आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, वो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इधर वर्दी वाला खड़ा है उसने कहना है मैं सबसे बड़ा, इधर सिटी का या बदमाश समझ लो जो, अब मैं हूँ, मैंने कहना ये इधर मेरा घर है तो मैंने कहना मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ, ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। ये जब ये चीज़ें हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, यानी कि अब मेरे पास हेलमेट नहीं है, मैं पुलिस वाले से वैसे ही जाऊँगा तो ये भी मामला ख़राब है, अगर मेरे पास हेलमेट है, मेरा लाइसेंस बना हुआ है, पुलिस वाला फिर भी मेरा चलान करता तो फिर वो उसकी बदमाशी है। बदमाशी तो हर तरफ ही है ना मुल्क के अंदर, ये चीज़ें ख़त्म होनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर एक वायरल बहुत ज़्यादा ना वायरल हुआ है हमारा एक क्लिप है, वो जो अभी ऑनलाइन बताना तो नहीं चाह रहा लाइव, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ आपको, वो देखें। अब ये छोटी सी बात है, अब देखें कोई गरीब मांग रहा है, अगर उसकी मजबूरी है तो मांग रही है, तो उसको हमारे हर शोबे में ख्वाजा सरा के लिए, कुछ शोबे हैं उनमें ख्वाजा सरा है, लेकिन उतने नहीं है जितनी हमारे मुल्क के अंदर तादाद ख्वाजा सरा की है, समझ रही है मेरी बात। हर अदारे के अंदर ख्वाजा सरा का बाकायदा कोटा होना चाहिए, ये क्या एक दो भर्ती कर लिए, एक दो से सारे थोड़ी बेचारे रोजगार बनेंगे, सारे बेरोजगार हैं, या तो उनके लिए कोई ना कोई चीज़ उनको दी जाए, या उनके लिए कोई ना इमदाद वगैरह मुख्तस की जाए तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उनको बेचारों को मांग रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, अब देख लिए नतीजा आपने जो हमारे सामने आया। हमारी वर्दी की बहुत इज्जत है, खुदार है इसकी, तुम भी इज्जत करो और इसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान से खेल जाओ, मेरा ये पैगाम है हुकूमत को। ये इंडिया का ही है मेरे ख्याल में, मैंने नहीं गेस कर पाया इसको। अच्छा इंडिया है, आपने सही गेस किया, ये सही है। अच्छा चले, इंडिया की कोई तो ऐसी 10 सिटीज बताएं जो बहुत ज्यादा रिच है इस टाइम। मुंबई है, कोलकाता है, और काफी है जिसे भी आप ले। अच्छा अच्छा वहीं आप पाकिस्तान की बताएं। पाकिस्तान की कराची है, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी और पेशावर जो मेन। अच्छा सर अगर हम लाहौर की बात करें और इंडिया की मुंबई की बात करें, दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या लग रहा है कि लाहौर और मुंबई की अगर हम बात करें क्या कंपैरिजन बनता है दोनों का? मुंबई बहुत बड़ा सिटी है, हमारे इंडिया से कोई हो नहीं सकता, लेकिन लाहौर लाहौर है। अच्छा तो बस अच्छा शहर है लाहौर भी। अच्छा सर देखिए दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, ठीक है, एक ही दिन था, बस एक दिन का फर्क आ गया कुछ घंटों का, लेकिन हमारी और उनकी तरक्की में इतना फर्क क्यों, को इतना आगे, हम इतना बैक जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? बस गवर्नमेंट का अमल है सारा, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, सिंसियर है आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ, तो यही फर्क है। हमारी गवर्नमेंट जब सही हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आपको हमारी गवर्नमेंट कब तक ठीक होगी? हमारी गवर्नमेंट कब तक ठीक होगी? हमारी गवर्नमेंट जब हकीकी तौर पे जमहूरियत आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। अच्छा कितना टाइम लगेगा इस चीज को? इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई प्लानिंग नहीं है किसी के पास, करना चाह रहे हमारे जितने भी सियासतदान है, जितने भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तो सबका विजन अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो कर पा करने दे रहे इनको। अच्छा
सही तरह से। जब भी कोई करना चाह रहा होता है जो तक पहुँचता है फिर गवर्नमेंट करा देती है, यही है बस मसला पाकिस्तान और इंडिया का। सर लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट ये कि पाकिस्तान के मुतालिक बस अल्लाह ताला से दुआ रखें, उम्मीद रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर होगा आवाम के लिए। आवाम इन दिनों बहुत परेशान है पूरे पाकिस्तान के, बस देख रही है गवर्नमेंट की तरफ कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आए। और अभी है लेकिन वो आपके सामने आ रहा जिस तरह आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है बेहतर होगा। ये कंट्री जो है मेरा ख्याल आई थिंक मैं अपने कैसे कह सकता हूँ मलेशिया है। अच्छा मलेशिया है, नहीं मलेशिया नहीं है, इसके अलावा कोई और अपने कंट्री के दे सकते हैं अपनी कंट्री का भी नाम? क्या आपको वीडियो देखने से लग रहा है कि ये पाकिस्तान है? ये नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ तो है लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक नहीं किया जाता। अच्छा। हैदराबाद है मेरा ख्याल, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। अच्छा 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 अच्छा, सर इंडिया की टॉप 10 सिटीज का बताएं। क्या इंडिया की टॉप 10 सिटीज जो के इस टाइम में रिच है? सॉरी नहीं पता, चले पाकिस्तान की बता दें जो इस टाइम तक काफी अमीर है, पाकिस्तान की टॉप 10 सिटीज एक दो ही बता। मतलब ये जो शहर है बहुत ज्यादा, मेरा आई थिंक कराची। कराची ज्यादा अमीर है इससे किस लिहाज से? कराची में सनती शहर भी और काफी ज्यादा है जिसको कहते हैं, और इसमें बंदरगाह भी समझा जाता है तिजारत के तौर पर। तो लाहौर नहीं है इस हिसाब से आगे? लाहौर उससे अलावा, लाहौर भी है लेकिन लाहौर उसके बाद नंबर आता है। अच्छा अच्छा, सर इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ठीक है, तब भी आपने इस्लामाबाद का नाम क्यों नहीं लिया? इस्लामाबाद का इसलिए लिया, इस्लामाबाद में इस तरह के मैंने देखा नहीं। नहीं देखा, सिर्फ कराची में देखा है? सिर्फ कराची में देखा है। अच्छा, लेकिन जितना मैंने सुना है ना कराची को कहा जाता है कि यहाँ पर चोरियाँ ज्यादा होती हैं और गंदगी के लिहाज से ज्यादा है। देखिए गंदगी तो यहाँ लाहौर में भी बहुत ज्यादा है, बस वजह यह है कि हमारे यहाँ पे वो एक तासुब थोड़ा सा बढ़ता जाता है। मैं ये कहता हूँ कराची हो कोई भी एरिया हो जहाँ गंदगी, उसको वाकई क्रिटिसाइज करना चाहिए। मीडिया गलत नहीं इस सिलसिले में करता, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो सारी बुराइयाँ दूसरे सूबों पर ज्यादा डाल देते हैं। वो पंजाब है, जो पंजाब है पंजाब को इग्नोर किया जाता है, पंजाब में भी डेराशाही है, पंजाब में भी ये इसी तरह के कचरा कुचरा बहुत ज्यादा है। कई जगह पे मैं एरिया में अभी भी आपको दिखा सकता हूँ पंजाब के, जो बहुत ज्यादा है। अगर हम रूरल एरिया की बात, अगर आप बात करते हैं चोरी चिकारी तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है, जहाँ दाव लगता है वहाँ कर लेते हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा जो कई वजूहात में से एक वजह जो है वो एक गुर्बत भी है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि मोस्टली लोग गुर्बत की वजह से चोरी कर रहे हैं? देखें इसमें एक वजह में से बेशुमार वजूहात में से एक वजह ये भी होती है, कुछ का गैंग है, कुछ जो है गुर्बत की वजह से कर रहे हैं, जस्टिफाई तो फिर भी नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कॉल भी हज़रत अली करमला वजह का कि अगर कोई इस वजह से चोरी करता है कोई खाने पीने के लिए तो वो उसका नहीं उसके हुक्मरान का हाथ काटा जाए। अच्छा सर, क्या लगता है कि मैंने आपको वीडियो दिखाई इंडिया की और पाकिस्तान की, क्या लग रहा है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ? इस हवाले से तो कोई नहीं है कंपैरिजन, नहीं है। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि इस चीज़ों में जो बेसिकली है वो ये है कि एक तो ये पॉलिटिशियन एक नहीं है इस मामले में मुल्क की मफाद में, और दूसरी वजह यह है कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बार बार एक मुस्तहकम गवर्नमेंट का नाम आना, और जो है वो कुछ थोड़ा सा हमने 2017 में देखा था, कोई थोड़ी सी तरक्की शुरू हुई थी मुल्क की, सेटिस्फाई थे हम। अब यानी कि तरक्की नहीं हो रही? अब फिलहाल तो मेरे ख्याल में तो नहीं हो रही, आई थिंक अगर अल्लाह करे हो जाए। अच्छा सर, हमें अब तरक्की करने के लिए ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए, जरा आप बताएंगे कुछ? देखें अपनी इम्पोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरी वजह ये है, जो सबसे बड़ी है वो वजह ये है कि नौजवानों को जो है वो जो सरकारी नौकरियों के पीछे लगे हैं, इनको नौजवानों को हुनर ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का मौका देना चाहिए, और ये तालीम पे मकसद नहीं होनी चाहिए। ये तालीम लोगों को पढ़ा तो दिया गया लेकिन बाद में लोगों पे छोड़ दिया गया कि जी आप रुले जो मर्जी करें, अब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो धक्के खा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा आलमिया है। सर लास्ट पे कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि बस बात ये है कि मुल्क के लिए सब मुल्क के लिए एक हो जाए और मुल्क के लिए सोचें, अगर जो मुल्क के लिए नहीं सोचता तो मेहरबानी अपने अपनी जगह पे वापस चले जाएं, जिनकी लंदन में प्रॉपर्टी है वो लंदन चले जाएं, जिनके और कहीं प्रॉपर्टी है वो कहीं और चले जाएं, लेकिन खुदा रा पाकिस्तान की जान छोड़ दें, इन सिंपल पॉलिटिक्स ही छोड़ दें। जी बिल्कुल, इन सिंपल जिसको कहते हैं बिल्कुल पॉलिटिशियन छोड़ दें, अगर इन्होंने खाली हुकूमतें यहाँ आके करनी है आवाम के लिए कुछ नहीं करना तो बिल्कुल इनको इख्तदार छोड़ देना चाहिए, ये किसी किस्म की कोई
इसमें नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि किसी जमात ने भी अभी तक कोई नजरिया नहीं दिया। अभी जो नजरिया है, नजरिया किसी जमाने में नजरिया आता था रोटी कपड़ा मकान का, लेकिन उसके बाद वो दफन हो गया। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी है अवाम की राय कि उनको आखिर ऐसा क्या लगता है कि पाकिस्तान की ऐसी कौन टॉप 10 सिटीज हैं, और वहीं उन्होंने इंडिया की भी टॉप 10 सिटीज के बारे में बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए सबसे अलविदा।